आजकल अमित शाह जी खूब आ रहे हैं दिल्ली अभी, और इतना झूठ बोलते हैं अमित शाह जी, इतना झूठ। अभी थोड़े दिन पहले लाजपत नगर आए, जिस स्टेज से बोल रहे थे हैं सीसीटीवी कैमरे वाला, वो लाजपत नगर, लाजपत नगर में कहते हैं केजरीवाल ने कहा था सीसीटीवी कैमरे लगवाऊंगा, बोले मैं दो दिन से दूरबीन लेके घूम रहा हूं, मेरे को एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लगे नहीं लगे सीसीटीवी कैमरे? भाई साहब वो जिस स्टेज से बोल रहे थे उसी स्टेज के ऊपर तीन सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। वहां की आरडब्ल्यू वालों को इतना गुस्सा आया, आरडब्ल्यू वालों ने उनकी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग, उनके भाषण की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग उनको भेज दी, बोले अमित शाह जी थोड़ा सा ऊपर करके देख लेते तो आपको सीसीटीवी कैमरे दिखाई दे जाते। और इस बार ये सारे पार्टी वाले इकट्ठे हो गए, पहले दिल्ली में तीन पार्टियां होती थी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इस बार देश की सारी पार्टियां ले आई है। इस बार बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी, अकाली दल, ये सारे इकट्ठे होकर चुनाव लड़ रहे हैं और इनका एक ही मकसद है केजरीवाल को हराना। इनका एक ही मकसद है, सारे इकट्ठे हो गए, इनका एक ही मकसद है केजरीवाल को हराना। मैं कहता हूं मैं स्कूल ठीक करूंगा, ये कहते हैं हम केजरीवाल को हराएंगे। मैं कहता हूं मैं अस्पताल ठीक करूंगा, ये कहते हैं हम केजरीवाल को हराएंगे। ये सारे मिलके दिल्ली का विकास रोकना चाहते हैं, ये सारे मिलके आपके बेटे को हराना चाहते हैं इस बार। और इससे भी इनका काम नहीं चला, अब ये कह रहे हैं 200 एमपी लेके आएंगे, भाजपा के सारे मुख्यमंत्री आएंगे। बड़े बड़े धुरंधर उतार दिए इन लोगों ने, गुजरात के मुख्यमंत्री आके प्रचार कर रहे हैं दिल्ली में, विजय रूपानी, हरियाणा के मुख्यमंत्री आके प्रचार कर रहे हैं खट्टर साहब, आज सुबह से योगी आदित्यनाथ घूम रहे हैं दिल्ली की गली गली के अंदर। कमाल ही हो गया भाई साहब, कमाल ही हो गया इनका। पूरी दिल्ली के अंदर ये बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री, मंत्री सारे घूम रहे हैं। अभी तीन दिन पहले विजय रूपानी जी एक कहीं गए सभा करने, स्टेज पे खड़े होके मेरे को गालियां देने लगे। जनता ने 5 मिनट सुना, 10 मिनट सुना, जनता से नीर आ गया। एक आदमी खड़ा होके बोला, विजय रूपानी जी ये बताओ गुजरात में आपके बिजली क्या रेट है? बोले 10 रुपए यूनिट। बोले जी हमारी दिल्ली में केजरीवाल ने फ्री कर रखी है। बोले आप गुजरात जाओ अपनी बिजली संभालो, हमको भाषण देने की जरूरत नहीं है। खट्टर साहब आए, वो भी खड़े होके मेरे को गालियां देने लगे। जनता से नीर आ गया, जनता खड़ी होके बोली, खट्टर साहब आपके हरियाणा में कितने घंटे बिजली आती है? बोले 10 घंटे। जनता बोली, जी केजरीवाल ने 24 घंटे बिजली कर रखी है हमारे दिल्ली में, आप हरियाणा जाओ और पहले अपनी बिजली संभालो, हमको भाषण देने की जरूरत नहीं है। आज योगी आदित्यनाथ आए, बोले दिल्ली के स्कूल खराब, दिल्ली के अस्पताल खराब, बीजेपी को वोट दो, हम दिल्ली के स्कूल अस्पताल यूपी जैसे कर देंगे। जनता बोली, जी माफ करो, आप अपना यूपी जाके संभालो, दिल्ली सही है, दिल्ली के अस्पताल स्कूल सही है। तो दोस्तों ये सारे के सारे उतर गए, इनका एक ही मकसद है किस तरह से केजरीवाल को हराया जाए। यहां पे अपने कुछ बीजेपी के, कांग्रेस के लोग भी होंगे, उनसे मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। मैंने पिछले 5 साल
सबके लिए काम किया है। 5 साल पहले कुछ लोगों ने हमको वोट दिया, कुछ लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, कुछ लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री बन गया तो मैं सबका मुख्यमंत्री बन गया। मैंने भेदभाव नहीं किया किसी में, बीजेपी का भी मुख्यमंत्री, कांग्रेस का भी मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी वालों का भी मुख्यमंत्री। मेरे पास बीजेपी वाला आया उसका भी काम करा, कांग्रेस वाला आया उसका भी काम करा। हमने स्कूल अच्छे करे, उसमें बीजेपी वालों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, कांग्रेस वालों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। हमने अस्पताल अच्छे करे, बीजेपी वालों का भी इलाज हो रहा है, कांग्रेस वालों का भी इलाज हो रहा है। सबके लिए काम करा हमने। तो आज मैं 2 शब्द अपील करना चाहता हूं बीजेपी और कांग्रेस के भाइयों से। मैं ये नहीं कह रहा आप अपनी पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी में आओ, अब अपनी पार्टी में रहो, लेकिन वोट सारे जने झाड़ू पे दे देना इस बार। आप पूछोगे क्यों? भाई साहब, 5 साल पहले तक अपने सरकारी अस्पताल और स्कूलों का बुरा हाल था, 5 साल में हमने इनको ठीक कराया, बहुत मेहनत करके ठीक कराया, बहुत मेहनत करी हमने। अब अगर आपने दूसरी पार्टियों को वोट दे दिया तो ये अपने स्कूल अस्पताल फिर खराब हो जाएंगे। इसीलिए मेरी आप सबसे, बीजेपी और कांग्रेस के भाइयों से निवेदन है, इस बार दिल्ली की तरक्की के लिए, मैं अपने लिए वोट नहीं मांग रहा, दिल्ली की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, इस बार अपनी पार्टी भूल जाना, सारे जने झाड़ू पे वोट दे देना। और एक बात है, पिछले 5 साल मैं ही काम आया था आपके, जब आपके स्कूल वाले आपके बच्चों की फीस बढ़ा रहे थे, बीजेपी कांग्रेस वाले काम नहीं आए, केजरीवाल ने जाके आपकी फीस कम कराई थी। पिछले 5 साल जब जब आपके घर में कोई बीमार हुआ, मैंने उनके इलाज का इंतजाम करा था आपका, बीजेपी कांग्रेस वाले सुध लेने नहीं आए थे। पिछले 5 साल केजरीवाल काम आया था, अगले 5 साल भी केजरीवाल ही काम आएगा आपके, बीजेपी कांग्रेस काम नहीं आने वाले। आप सब लोगों को, अपने दिल्ली के 2 करोड़ लोग अब एक परिवार बन गए हम लोग, चाहे कोई बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सारे एक परिवार हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं और एक साथ मिलकर हम अपनी दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, अभी 3-4 दिन पहले मेरे को बड़ा दुख हुआ, बीजेपी के नेता कहते हैं केजरीवाल आतंकवादी है। दोस्तों, अपना तन मन धन, अपनी पूरी जिंदगी मैंने देश के लिए कुर्बान कर रखी है, कभी अपने परिवार की नहीं सोची मैंने, कभी अपनी घर की नहीं सोची, 24 घंटे रात दिन देश के लिए लगा रहता हूं। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, तब तक तो क्या पता था, कोई सोचा भी नहीं था मुख्यमंत्री बनेंगे। इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ के, रिजाइन करके अन्ना जी के साथ हो लिया मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में, 2 बार भ्रष्टाचार के खिलाफ 2 बार अनशन करा, 15-15 दिन भूखे रहा, शुगर का मरीज हूं, दिन में 4 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, और कोई भी डॉक्टर बता देगा कि शुगर का मरीज जिसको इंसुलिन लगती है अगर 4 घंटे भूखे रह जाए वो जिंदा नहीं बचता। मैं 15 दिन भूखे रहा, 2 बार 15-15 दिन, देश के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये ऊपर वाले का करिश्मा है कि आज जिंदा खड़ा हूं आपके सामने, और ये लोग मेरे को आतंकवादी बोलते हैं।
दोस्तों बहुत दुख हुआ मेरे को, ये निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। दिल्ली की जनता तय कर ले कि वो मेरे को अपना बेटा मानती है कि आतंकवादी मानती है। अगर आप लोग मेरे को आतंकवादी मानते हो तो 8 तारीख को जाके कमल का बटन दबा देना, और अगर आप लोग मेरे को बेटा मानते हो तो 8 तारीख को जाके झाड़ू का बटन दबा देना। भारत माता की, इनकलाब। भाई साहब आपको विश्वास दिला देता हूं,